हाय गाइस, आप सबको भक्ति एंड टेक्नोलॉजी चैनल पे स्वागत है। आज हम लोग एक नया टॉपिक में डिस्कस करेंगे। हमारा आज का टॉपिक है सर्किट डिस्क्रिप्शन ऑफ बैलेंस मॉड्यूलेटर। तो फ्रेंड, हमें पता है ये बैलेंस मॉड्यूलेटर हम लोग यूज करते हैं एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन का सिग्नल बनाने के लिए, और ये बैलेंस मॉड्यूलेटर का आउटपुट हमेशा डबल साइड बैंड होता है, दैट्स मीन अपर साइड बैंड एंड लोअर साइड बैंड। अभी हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं ये बैलेंस मॉड्यूलेटर का आउटपुट जो अपर साइड बैंड एंड लोअर साइड बैंड होता है वो किस टाइप का फॉर्म में जनरेट होता है। फ्रेंड, हम लोग थोड़ा सा एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन का ऊपर थोड़ा सा जनरल कॉन्सेप्ट ले लेंगे। देखिए, जो मॉड्यूलेटिंग सिग्नल है इसका फ्रीक्वेंसी क्या होता है, रेस्पेक्टिव बहुत कम होता है, और इस लो फ्रीक्वेंसी का जो मॉड्यूलेटिंग सिग्नल का जो इन्फॉर्मेशन हमें बहुत दूर तक कैरी करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक हाई फ्रीक्वेंसी का कैरियर सिग्नल का साथ उसको मॉड्यूलेट करते हैं। तो उसको मॉड्यूलेट करने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, जो कैरियर का जो एम्पलीट्यूड है, एम्पलीट्यूड मतलब क्या है, इसका पीक टू पीक वोल्टेज है, इसको हम लोग वेरी कर पाता है, मतलब चेंज कर पाता है अकॉर्डिंग टू मॉड्यूलेटिंग सिग्नल का इन्फॉर्मेशन। और उसको चेंज करवाने के बाद जो वेव फॉर्म बनता है वो इस प्रकार होता है, जहां पे पॉजिटिव पीक आता है मॉड्यूलेटिंग सिग्नल का, वही पे हमारा क्या है एम्पलीट्यूड बढ़ जाता है कैरियर का, और जहां पे नेगेटिव पीक आता है वही पे क्या है एम्पलीट्यूड कम हो जाता है। और इस टाइप का मॉड्यूलेशन को हम लोग एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन बोलते हैं। और इसका अगर मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेटिव हम लोग देखे तो ये वो होता है, ए इक्वल टू वी सी साइन ओमेगा सी टी प्लस हाफ एम वी सी कॉस ओमेगा सी टी माइनस ओमेगा एम टी माइनस हाफ इंटू एम वी सी कॉस ओमेगा सी टी प्लस ओमेगा एम टी। यही पे आपका वी सी क्या है, कैरियर का एम्पलीट्यूड है, और ओमेगा सी टी कैरियर का एंगुलर वेलोसिटी है, और ओमेगा एम टी मॉड्यूलेटिंग सिग्नल का एंगुलर वेलोसिटी है, और ये जो स्मॉल एम है ये क्या है मॉड्यूलेशन इंडेक्स है। तो हम लोग अगर इस मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन में देखें तो इसमें तीन टाइप का पैरामीटर है, एक तो उसका कैरियर होता है, एक लोअर साइड बैंड होता है, एक अपर साइड बैंड होता है। बट अगर हम लोग ऐसे कोई डिवाइस बनाए जहां पे इस कैरियर को हम लोग सप्रेस कर दे और उसका जो आउटपुट है ओनली लोअर साइड बैंड अपर साइड बैंड है, तो उसका फॉर्म किस टाइप का होगा। देखिए, एक फॉर्म इधर बना के हम लोग समझ लेते हैं। एफ सी अगर उसका कैरियर है और एक डॉट डॉट सिग्नल मतलब क्या है उसको सप्रेस किया गया, और तो उसका लोअर साइड बैंड क्या होगा एफ सी माइनस एफ एम, और अपर साइड बैंड क्या होगा एफ सी प्लस एफ एम। तो ये जो दो साइड बैंड, ये दोनों साइड बैंड मिलके जो सिग्नल बनता है उसको बोलते हैं डी एस बी एस सी सिग्नल, मतलब डबल साइड बैंड सप्रेस कैरियर सिग्नल। और हमारा जो आज का टॉपिक है बैलेंस मॉड्यूलेटर, तो उस बैलेंस मॉड्यूलेटर का आउटपुट हमेशा डबल साइड बैंड सप्रेस कैरियर होता है। हम लोग आज तीन टाइप का बैलेंस मॉड्यूलेटर का ऊपर एनालिसिस करेंगे, उसका सर्किट डायग्राम और उसका सर्किट का फंक्शन कैसे होता है थोड़ा सा हम लोग एनालिसिस करेंगे। देखिए, बैलेंस मॉड्यूलेटर कंसिस्ट बाय डायोड, उसके बाद बैलेंस मॉड्यूलेटर कंसिस्ट बाय ट्रांजिस्टर्स, एंड बैलेंस मॉड्यूलेटर कंसिस्ट बाय एफईटी। ये जो डायग्राम है ये बैलेंस मॉड्यूलेटर कंसिस्ट बाय डायोड, इस डायग्राम में हम दो नॉन लीनियर डिवाइस को कनेक्ट करते हैं, दो नॉन लीनियर डिवाइस को कनेक्ट करते हैं जिसमें दो जो अलग अलग साइड बैंड मिलता है। इसमें एक नॉन लीनियर डिवाइस होता है डायोड डी वन और उसका एसोसिएट कंपोनेंट लेके, और दूसरा जो नॉन लीनियर डिवाइस होता है वो क्या है डायोड डी टू और उसका एसोसिएट कंपोनेंट लेके। अभी देखिए, ये जो सर्किट है इसमें मेनली क्या क्या कंपोनेंट्स यूज किया गया, एक ट्रांसफार्मर यूज किया गया जिसका प्राइमरी में हम लोग मॉड्यूलेटिंग सिग्नल यूज करते हैं, और इस सेकेंडरी इसका सेंटर टैप होता है, सेंटर टैप में सेंटर में इसको कैरियर अप्लाई किया जाता है, और इसका जो सेकेंडरी का दो एंड है, एक एंड में डायोड डी ऑन कनेक्ट रहता है, दूसरा एंड में डायोड डी टू कनेक्ट रहता है, और ये डायोड डी ऑन और डी टू दोनों का साथ साथ आगे दो फिल्टर यूज किया जाता है, जो आर एल सी कंपोनेंट का कॉम्बिनेशन में आर एल सी फिल्टर
होता है जो डब्ल्यू सी का साथ सेंटर होता है, जो पार्टिकुलर एक सिलेक्टेड बैंड को पास करता है और बाकी फ्रीक्वेंसी को रिमूव करता है। अभी इसका फंक्शन को थोड़ा एनालिसिस करते हैं। देखिए, जब प्राइमरी वाइंडिंग ऑफ ट्रांसफार्मर इनपुट ट्रांसफार्मर वहीं पे कोई ही मॉड्यूलेटिंग सिग्नल का पॉजिटिव पिक आएगा, तब क्या होगा, उसका सेकेंडरी में वही वोल्टेज इंड्यूस होगा। लेकिन इसका सेकेंडरी है, सेंटर टैब है, तो इसका ऊपर वाला पार्ट में हमें वोल्टेज मिलेगा। मान लीजिए वो वोल्टेज है वीएम है, और ये वीएम वोल्टेज सीधा प्रोवाइड होगा डायोड डी ऑन का एनोड में। बट उसी टाइम डायोड डी ऑन का एनोड में दूसरा और एक वोल्टेज जो कैरियर सिग्नल के लिए, जो ओमेगा सी टी कैरियर सिग्नल है, इसके लिए यही पे मिलेगा, और वो वोल्टेज होगा वी वन। ये जो कैरियर सिग्नल है इसके लिए जो वोल्टेज मिलेगा वो वी वन है। तो ये वी वन और वी एम का एक्सक्लूडिंग क्या होगा, डायोड डी ऑन क्या होगा, कॉन्टैक्ट करेगा। जब डायोड डी ऑन कॉन्टैक्ट करेगा तब यही पे एक वोल्टेज मिलेगा जो है आपका वी थ्री, और जब ये वी थ्री वोल्टेज यही पे इंड्यूस होगा तब एक करंट फ्लो होगा जो इस डायरेक्शन में, जो एरो दिया हुआ डायरेक्शन में एक करंट फ्लो होगा। और जैसे ही करंट फ्लो होगा उसका अकॉर्डिंग क्या होगा, हमें जो आर एल सी का कॉम्बिनेशन में एक फिल्टर बना हुआ ए पे सेंटर टैप, जो सेंटर टैप ओमेगा सी का साथ सेंटर टैप है, उसके अकॉर्डिंग जो फिल्टर बना हुआ वो फिल्टर क्या करेगा, जो सिलेक्टेड बैंड है उसके अकॉर्डिंग एक सिलेक्टेड फ्रिक्वेंसी को आगे पास करेगा, बाकी को रिमूव करेगा। और ये जो फिल्टर है ओनली नैरो बैंड फ्रिक्वेंसी को पास करेगा, दैट्स मीन ये एक पार्टिकुलर साइड बैंड को ही पास करेगा। अभी आइए, जब इसका प्राइमरी में नेगेटिव पीक आएगा मॉड्यूलेटिंग सिग्नल का, तब क्या होगा, इसका ऊपर वाला पोर्शन में कोई वोल्टेज नहीं रहेगा, इसका नीचे वाला पोर्शन में, जो सेंटर टैप का नीचे वाला पोर्शन में, मतलब सेकेंडरी का नीचे वाला पोर्शन में एक वीएम सिग्नल मिलेगा, और साथ में जो मॉड्यूलेटिंग सिग्नल का अकॉर्डिंग एक वी टू वोल्टेज कहाँ पे आएगा, इसका एनोड में, डायोड डी टू का एनोड में। तो डायोड डी टू क्या हो जाएगा, कंडक्ट करेगा, और डायोड डी टू जब कंडक्ट करेगा तो उसी टाइम क्या होगा, आपका एक करंट इस एरो का डायरेक्शन में क्या होगा, फॉलो होना शुरू होगा, और उसी टाइम जो फ्रीक्वेंसी ये नीचे वाला फिल्टर बनाया हुआ आर एल सी का अकॉर्डिंग, तो वो फ्रीक्वेंसी क्या होगा, जो सिलेक्टेड फ्रीक्वेंसी है वो भी एक बैंड पास फिल्टर है, वो भी सेंटर टैप है ओमेगा सी का अकॉर्डिंग, तो उसमें जो सिलेक्टेड फ्रीक्वेंसी है बैंड का वो आगे पास हो जाएगा, बाकी फ्रीक्वेंसी रिमूव हो जाएगा। अभी यही पे हमारा देखने वाला विषय है, जो दो ऊपर वाला जब कंडक्ट किया था, ऊपर वाला लीनियर नॉन लीनियर सर्किट जब कंडक्ट किया था, तो उसमें क्या हुआ, जो करंट है क्लॉकवाइज था। अभी जो नीचे वाला जो डायोड डी टू कंडक्ट किया तब इसका करंट का डायरेक्शन क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज हो गया। तो जो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दो ऑपोजिट डायरेक्शन होने के वजह से ये करंट क्या हो जाता है, बिल्कुल एक दूसरे को कैंसिल कर देता है। तो इसमें क्या होता है, हमारा कैरियर सप्रेस हो जाता है। जब कैरियर सप्रेस हो जाता है, मतलब एलिमिनेट हो जाता है, तो हमें ऊपर वाला फिल्टर का आउटपुट और नीचे वाला फिल्टर का आउटपुट क्या है, दो अलग अलग साइड बैंड हमें मिल जाता है। तो ये जो बैलेंस मॉड्यूलेटर है, तो इसका आउटपुट क्या होता है, डबल साइड बैंड सप्रेस कैरियर। चलिए फ्रेंड, अभी हम लोग इस सेम एक मॉड्यूलेटर सर्किट को देखेंगे, जिसमें हम लोग डायोड का जगह पे ट्रांजिस्टर यूज कर रहा हूं। फ्रेंड, यही पे जो सर्किट यूज किया गया ये है आपका बैलेंस मॉड्यूलेटर कंसिस्ट बाय ट्रांजिस्टर्स, और इसमें एक मेन मेन कंपोनेंट है, ये इस एक ट्रांसफार्मर है जिसका प्राइमरी में मॉड्यूलेटिंग सिग्नल है, सेकेंडरी में सेंटर टैप किया हुआ, सेंटर टैप में सेंटर में कैरियर सिग्नल अप्लाई किया गया, और जो इसका सेंटर सेकेंडरी का एक एंड में एक ट्रांजिस्टर क्यू वन जो एनपीएन ट्रांजिस्टर है, और दूसरा एंड में एक ट्रांजिस्टर क्यू टू है, वो भी एक एनपीएन ट्रांजिस्टर है यूज किया गया, और एक वीसीसी अप्लाई किया गया इसका कलेक्टर, दोनों का कलेक्टर में बायसिंग वोल्टेज प्रोवाइड करने के लिए, और दूसरा और एक ट्रांसफार्मर यूज किया गया जो जिसमें जिसका थ्रू हम लोग आउटपुट लेंगे।
और उस आउटपुट ट्रांसफार्मर का जो प्राइमरी है उसमें भी सेंटर टैप किया गया VCC का अकॉर्डिंग, और उसका सेकेंडरी से हम लोग आउटपुट ले रहा हूँ। अभी चलिए देख लेते हैं जो ये ट्रांसफार्मर का मदद से जो बना हुआ बैलेंस मॉड्यूलेटर वो कैसे काम करता है। फ्रेंड, जब फर्स्ट इनपुट ट्रांसफार्मर का प्राइमरी में मॉड्यूलेटिंग सिग्नल अप्लाई किया जाएगा और मॉड्यूलेटिंग सिग्नल का फर्स्ट पॉजिटिव पीक अप्लाई होगा, तब क्या होगा, उसका सेकेंडरी में सेंटर टैप का ऊपर वाला पोर्शन में हमें VM मिलेगा, उसी टाइम नीचे वाला पोर्शन में हमें VM नहीं मिलेगा। और ये जो ऊपर वाला पोर्शन का VM है ये जाके अप्लाई होगा इसका बेस में। साथ में क्या होगा, ये जो कैरियर सिग्नल हम लोग ए पे अप्लाई कर रहा है, एक ट्रांसफार्मर थ्रू अप्लाई करते हुए उसको हम लोग फर्स्ट ट्रांसफार्मर का सेंटर टैप में बना रहा है, इसका अकॉर्डिंग भी एक VC वोल्टेज, ये देखिए एक VC वोल्टेज इसका अकॉर्डिंग भी इसका बेस में आएगा। तो ये दोनों वोल्टेज जब V1 ट्रांसफार्मर का बेस में आएगा और इसका कलेक्टर VCC थ्रू बायसिंग किया हुआ, तो क्या होगा, एक कंडक्शन मोड में आ जाएगा, उसी टाइम Q2 कंडक्ट नहीं करेगा क्योंकि हमें इस पे पॉजिटिव पीक मिला है, एक ओनली अपर पॉजिटिव पीक मिला है, तो इसका बायसिंग फुलफिल होगा, Q2 का बायसिंग फुलफिल नहीं होगा। जब Q1 का बायसिंग फुलफिल होगा ये कंडक्ट करेगा, उसी टाइम क्या होगा, एक करंट IC1, इसे हम लोग डिनोट करते हैं IC1, एंटी क्लॉकवाइज प्रोवाइड होगा। यही पे समझने वाला बात बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका डायरेक्शन होगा एंटी क्लॉकवाइज, और ये एंटी क्लॉकवाइज करंट कलेक्टर थ्रू आगे प्रोवाइड होगा। और जब हमारा मॉड्यूलेटिंग सिग्नल का नेगेटिव पीक आएगा, जब इसका नेगेटिव पीक आएगा तब ऊपर वाला पोर्शन मतलब सेकेंडरी का, इस ट्रांसफार्मर का जो ऊपर वाला पोर्शन सेकेंडरी का वो वोल्टेज नहीं मिलेगा, उसके नीचे वाला पोर्शन में मिलेगा, उसी टाइम Q2 का बायसिंग फुलफिल होगा। और Q2 का बायसिंग जब फुलफिल होगा Q2 कंडक्ट करेगा, और Q2 जब कंडक्ट करेगा तो VCC का अकॉर्डिंग एक करंट फ्लो होगा जो IC2 है, जो जिसका डायरेक्शन होगा क्या, क्लॉकवाइज। तो हमें ऊपर वाला IC1 मिला था एंटी क्लॉकवाइज, अभी IC2 मिलेगा क्लॉकवाइज। तो यही पे देखने वाला बात है, ये जो दो ऑपोजिट करंट है ये क्या एक दूसरा का ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो ये दोनों एक दूसरा का ऑपोजिट डायरेक्शन होने की वजह से क्या होता है, एक दूसरे को एलिमिनेट कर देता है। तो इसमें क्या है, हमारा जो कैरियर है तो ये कैरियर बिल्कुल सप्रेस हो जाता है, क्योंकि ये जो VCC से दो अलग करंट फ्लो हो रहा है वो कैरियर का अकॉर्डिंग होता है, और वो कैरियर का अकॉर्डिंग क्या जो अलग करंट हो रहा है वो दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर रहा है। अभी क्या होता है, जो इधर आउटपुट ट्रांसफार्मर है, इस आउटपुट ट्रांसफार्मर का सेकेंडरी में एक ऊपर वाला जो नॉन लिनियर डिवाइस है उसके लिए एक साइड बैंड हमें मिल जाता है, और जो नीचे वाला नॉन लिनियर सर्किट है उसके लिए दूसरा और एक साइड बैंड मिल जाता है। तो टोटल हमें जो आउटपुट मिलता है इसका ट्रांसफार्मर का सेकेंडरी वाइंडिंग में वो होता है डबल साइड बैंड। तो इस सर्किट बैलेंस मॉड्यूलेटर से हमें जो आउटपुट मिलता है वो क्या होता है, डबल साइड बैंड सप्रेस कैरियर, दैट इज DSB-SC सिग्नल। फ्रेंड, अभी हम लोग डिस्कस करेंगे कैसे बैलेंस मॉड्यूलेटर बना सकते हैं हम लोग विद द हेल्प ऑफ FET। देखिए इसका सर्किट डायग्राम इस प्रकार है, जिसमें एक ट्रांसफार्मर होगा जो T1 है, जो जिसका प्राइमरी में मॉड्यूलेटिंग सिग्नल होगा और सेकेंडरी में सेंटर टैप लेते हुए दो FET लगा रहेगा, FET1 FET2, जो दो नॉन लिनियर डिवाइस हम लोग बना रहे हैं दो अलग अलग FET का मदद से। और इस का जो सेंटर टैप है कौन सा, T1 का जो सेंटर टैप है उसमें हम लोग कैरियर सिग्नल को अप्लाई कर रहे हैं, और वो कैरियर सिग्नल को डायरेक्ट अप्लाई ना करते हुए एक ट्रांसफार्मर T3 का सेकेंडरी से हम लोग यूज कर रहा है, और T3 का प्राइमरी में हम लोग कैरियर सिग्नल का एज ए इनपुट CT यूज कर रहा है। अभी देखिए एक ट्रांसफार्मर T2 है जिसका प्राइमरी में सेंटर टैप लेते हुए एक VCC प्रोवाइड किया गया, और उसका सेकेंडरी में से हम लोग आउटपुट ले रहे हैं डबल साइड बैंड सप्रेस कैरियर।
चलिए इसका सर्किट को कैसे फंक्शन कर रहा है इसको हम लोग समझ लेते हैं। इस सर्किट का फंक्शन इस प्रकार है, जब ट्रांसफार्मर टी ऑन का प्राइमरी में मॉड्यूलेटिंग सिग्नल एमटी अप्लाई होता है तो उस एमटी का जो एनालॉग सिग्नल है तो उसको एक बार प्राइमरी का ऊपर वाला पोर्शन में पॉजिटिव पीक आएगा, एक बार नेगेटिव पीक आएगा। तो जब ऊपर वाला पोर्शन में पॉजिटिव पीक आएगा तो नीचे वाला पोर्शन में नेगेटिव पीक होगा, जब ऊपर वाला पोर्शन में नेगेटिव होगा तो नीचे वाला पोर्शन में आपका पॉजिटिव पीक होगा। जब यही पे पॉजिटिव पीक आएगा तो हमें सेकेंडरी का अपर पार्ट में पॉजिटिव पीक मिलेगा, सेम टाइम पे नीचे वाला सेकेंडरी का नीचे वाला पार्ट में नेगेटिव पीक मिलेगा। और जब यही पे नेगेटिव पीक होगा तब टी वन ट्रांसफार्मर का सेकेंडरी में ऊपर वाला पोर्शन में नेगेटिव पीक मिलेगा, यही पे पॉजिटिव पीक मिलेगा। अभी देखिए इस पूरा कंप्लीट सर्किट को फंक्शन को हम लोग देखने के लिए दो मोड में डिवाइड करेंगे, एक मोड वन एक मोड टू। मोड वन में क्या है, ओनली कैरियर सिग्नल अप्लाइड, मतलब मान लीजिए सर्किट सेम है बट हम लोग अभी तक मॉड्यूलेटिंग सिग्नल अप्लाई नहीं किया, बाकी भी डी डी और यही पे कैरियर सिग्नल अप्लाई किया गया। और जो मोड टू है उसमें क्या करेंगे, हम लोग मॉड्यूलेटिंग सिग्नल भी अप्लाई करेंगे, कैरियर सिग्नल भी अप्लाई होगा और भी डीडी भी अवेलेबल होगा। तो दोनों मोड का फंक्शन किस टाइप का होता है थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए मोड वन का जो फंक्शन है ए पे हम लोगों ने मेंटेन किया है, मोड वन पे क्या है एमसीटी, ए पे एमसीटी मतलब मॉड्यूलेटिंग सिग्नल जीरो है तो इसका अकॉर्डिंग कोई वोल्टेज और इस सर्किट में कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा, तो ए पे हम लोग एमसीटी इक्वल टू जीरो लिख दिया। अभी देखिए जब मॉड्यूलेटिंग सिग्नल नहीं है तो उसी टाइम आपका कैरियर सिग्नल है, और इस कैरियर सिग्नल होने का वजह से क्या होगा, इसका जो एफिटी वन का जो ड्रेन है इसमें से एक करंट फ्लो होगा जो होगा आईडी वन, ठीक है। और सेम टाइम पे जो आपका एपीटी टू का ड्रेन का अकॉर्डिंग जो करंट फ्लो होगा वो होगा आईडी टू। बट यही पे देखने वाला जो इम्पोर्टेंट मैटर है वो है आईडी वन होगा आपका एंटी क्लॉकवाइज और आईडी टू होगा क्लॉकवाइज, तो ये दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन होने का वजह से क्या हो जाएगा, ये कैंसिल कर देगा, एक दूसरा को कैंसिल कर देगा। तो जो एक दूसरे को कैंसिल कर देगा तो यही पे हमें वही आउटपुट नहीं मिलेगा, अर्थात दैट मीन हम लोग बोल सकते हैं डीएसपी एससी आउटपुट इक्वल टू जीरो, पी आउटपुट जीरो। और इसका हम लोग दूसरा तरीका से बोल सकते हैं जो कैरियर इज सप्रेस्ड, दैट मीन जो कैरियर अप्लाई करने का बाद जो करंट इधर फ्लो रहा है एक दूसरे को कैंसिल करने के बाद हमें इधर कोई आउटपुट नहीं मिल रहा है, तो इसको हम लोग ऐसे मानते हैं जो कैरियर ए पे एलिमिनेट हुआ है। अभी आइए हम लोग मोड टू का फंक्शन को एनालिसिस करते हैं। मोड टू में हम लोग क्या बोला था, मोड टू में है एक तो मॉड्यूलेटिंग सिग्नल अप्लाई हो रहा है, कैरियर सिग्नल प्रेजेंट है, वीडीडी प्रेजेंट है, उसी टाइम क्या होगा आपका जो कैरियर सिग्नल का वजह से ये दोनों करंट तो कैंसिल होगा, बट मॉड्यूलेटिंग सिग्नल का वजह से क्या होगा, एक सेपरेट करंट इसका थ्रू फ्लो होते रहेगा और वो करंट एक दूसरे को कैंसिल नहीं करेगा। क्यों कैंसिल नहीं करेगा, इसलिए कैंसिल नहीं करेगा, देखिए यहीं पे जो सिटी और यहीं पे जो सिटी दोनों सेम पोलारिटी है, तो ये दोनों सेम पोलारिटी होने का वजह से क्या हो रहा था, हमें जो दो करंट मिल रहा था आईडी वन और आईडी टू वो दोनों एक दूसरे को एलिमिनेट कर रहा था। तो ए पे एमटी का जब हम लोग देखेंगे तो एमटी से पहले ए पे जो पोलारिटी है इधर का एमटी का पोलारिटी एक दूसरे का ऑपोजिट है, तो इसका वजह से क्या होगा वो कैंसिल नहीं होगा। जब मॉड्यूलेटिंग सिग्नल का पोलारिटी का वजह से वो कैंसिल नहीं होगा तो उसका अकॉर्डिंग एक हमें आउटपुट मिलेगा। तो ऊपर वाला जो नॉन लिनियर डिवाइस है जो एपीटी वन का मदद से बना हुआ, तो उसका मदद से हमें एक साइड बैंड इधर का मिलेगा और जो एपीटी टू है उसका कनेक्टिविटी का वजह से दूसरा एक साइड बैंड एपी मिलेगा। तो टोटल हमें क्या है जो इसका सेकेंडरी का आउटपुट
हो जाएगा डबल साइड बैंड और उसमें कोई कैरियर नहीं रहेगा, तो उसका जो फाइनल आउटपुट उसका हम लोग बोलेंगे डबल साइड बैंड सरफेस कैरियर। ओके फ्रेंड, आज हम लोग तीन अलग अलग बैलेंस मॉड्यूलेटर का सर्किट डायग्राम, जिसमें से एक डायोड का मदद से बना हुआ, एक ट्रांजिस्टर का मदद से बना हुआ, एक एफईडी का मदद से बना हुआ, वो हम लोग डिस्कस किया है। तो मैं समझता हूँ आप लोगों ने बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ बैलेंस मॉड्यूलेटर और जो अलग अलग कंपोनेंट का मदद से बना हुआ बैलेंस मॉड्यूलेटर है उनका फंक्शन का वीडियो का ऊपर काफी अच्छा जानकारी लिया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।